नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलोजन, एलईडी, एचआईडी, ज़ेनन, लेजर, क्या डिफरेंस है इन लाइट्स में। अलग अलग तरह की हेडलाइट्स आने लग गई है मार्केट में और लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मेरी लाइट तो पावरफुल नहीं है, क्या मेरी हेलोजन है इसलिए पावरफुल नहीं है, एलईडी होती तो पावरफुल होती। ये सब चीज़ों का जो बातें हैं, कौन सी लाइट क्या होती है, किसमें क्या फ़र्क है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। किसके पॉजिटिव्स क्या है, किसके नेगेटिव्स क्या है, वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको तीन टर्म्स ऐसे बताना चाहता हूँ जो कि अधिकतर लाइट्स के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो कॉमन है, मतलब वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने लिखा देखा होगा कि 5000 के, 3500 के, 6000 के, ये जो के है ये है केल्विन, ये टेम्परेचर होता है, मतलब लाइट का कलर टेम्परेचर होता है ये, मतलब लाइट कितनी हीट दे रही है वैसा नहीं, कलर टेम्परेचर वाला, तो कि भाई जैसे वार्म दिख रहा है, जैसे येलो जो लाइट होती है वो थोड़ी कम कलर टेम्परेचर की होती है, लगभग 3000 के आसपास की होती है लगभग, और जो थोड़ी वाइट दिखती है कूल लाइट जिसे हम बोलते हैं वो थोड़ा ऊपर 5000 के, 6000 के आसपास की होती है। तो ये कलर टेम्परेचर्स होते हैं कि कितनी वार्म है, कितनी कूल है। ये आपके मोबाइल में भी ऑप्शन होता है कईयों में, वार्म दिखना है, कूल दिखना है, तो मतलब वो येलोइश जो चीज़ होती है, ब्लूइश जो चीज़ होती है, वो इस कलर टेम्परेचर से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है कि कौन कितनी ब्राइट होगी, कि आप ऐसा नहीं मानोगे कि अच्छा ये 3500 के है तो ये कम ब्राइट होगी, 5000 के ज़्यादा ब्राइट होगी, ऐसा कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते इसे। फिर आता है ल्यूमेंस। ल्यूमेंस जो होता है वो एक्चुअल में ब्राइटनेस डिसाइड करता है, जितने ज़्यादा ल्यूमेन उतने ज़्यादा ब्राइटनेस, ठीक है। अगर किसी लाइट में 9000 ल्यूमेंस है और किसी दूसरी लाइट में 12000 ल्यूमेंस है तो नो डाउट 12000 वाली जो है ज़्यादा ब्राइट होगी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है वॉटेज, ठीक है, जो W से मेंशन्ड होती है। जरूरी नहीं कि वॉटेज ज्यादा तो लाइट जो है ज्यादा ब्राइट हो, ये मैं ऑलरेडी बताता हूँ आपको। जैसे मेरी कार में जो है 60 वॉट का बल्ब लग रखा है और अब मैं उसे चेंज करके किसी और टाइप के बल्ब से, किसी और तरह की हेडलाइट से जो लगा रहा हूँ, वो नया वाला 36 वॉट का ही है, लेकिन वो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है मेरे को। वो ब्राइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसकी ल्यूमेंस ज्यादा है। वॉटेज जो होता है वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है ये बताता है कि भाई 60 वॉट कंज्यूम करेगा या आपके 36 वॉट कंज्यूम करेगा, ये सब चीजें होती है। वॉटेज का ब्राइटनेस से कोई लेना देना नहीं। तीन चीजें मैंने आपको बता दी कि केल्विन जो है वो कलर टेम्परेचर होता है, दूसरा ल्यूमेंस ब्राइटनेस रिलेटेड, तीसरा आ गया वॉटेज जो कि आपकी गाड़ी की कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, आपकी लाइट जो है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी वो बताता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहली चीज हेलोजन। हेलोजन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लाइट है, मतलब वाइडली एक्सेप्टेड, हर लगभग हर गाड़ी में आप हेलोजन ही देखते हो, बाइक वगैरह में लगभग सब में हेलोजन ही देखते आए हो पहले के टाइम से, तो मतलब हम आदि हो चुके हैं। ये जो येलोइश कलर की लाइट दिखती है, जो थोड़ा थोड़ा पीला कलर की जो दिखती है, ये हेलोजन्स होते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हेलोजन गैस होती है, ट्यूब में फिल्ड होती है और वहाँ पे जो है टंगस्टन जो है उसमें एनर्जी जलत, मतलब आपकी एनर्जी फ्लो होके वहाँ पे हीट के रूप में आगे आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टर से या प्रोजेक्टर जैसे भी होता है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है हेलोजन्स का। बेनिफिट्स हेलोजन के क्या है कि हेलोजन बल्ब सस्ते आते हैं, ठीक है, ईजी टू यूज होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हम देख चुके हैं तो कोई भी लगा जाता है, कुछ भी करता है, सबको पता है कि कैसे काम करने हैं, सस्ते हैं, इजी टू यूज है। उसके बाद में जो हेलोजन्स होते हैं हम देखने के आदी हो गए, मतलब हमें अच्छे लगते हैं आंखों में कि हाँ भाई नॉर्मल लाइट है, आंखों से देखने पर अच्छे लगते हैं हेलोजन्स। उसके बाद में ये इनकी कलर टेम्परेचर की वजह से ये जो है हार्श वेदर में भी अच्छे काम करते हैं, मतलब कलर टेम्परेचर कम होता है ना, जिनकी रेटिंग कम होती है कलर टेम्परेचर की, वो मतलब बरसात वगैरह के टाइम में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं। और मतलब आप आगे देखेंगे, मैं एलईडीज की जब बात करूंगा तो बताऊंगा कि क्यों बरसात में जो है ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन हेलोजन जो है वो बरसात में भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं। अब हेलोजन के नेगेटिव क्या है फिर? हेलोजन जो है काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए लोग जो है उन्हें मतलब जब एनर्जी की बात आती है, लाइट बचाने की बात आती है, तो हेलोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो आती है इनके बारे में, वो इनकी लाइफ जो होती है थोड़ी कम होती है, कम लाइफ स्पैन वाली चीजें होती है, मतलब उतने ज्यादा नहीं चलते हैं इन कंपेरिजन टू अदर जो आप देखेंगे एलईडी, एचआईडी वगैरह, उनके मुकाबले इसकी लाइफ जो है वो कम होती है। और ये उतने ब्राइट भी नहीं होते हैं, ठीक है, इनकी ये भी चीज है कि इतने ब्राइट नहीं होते हैं कंपेयर्ड टू अदर जो है उनके इतने ब्राइट ये नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट चीज जो है उस पर जंप करते हैं वो आती है अपनी एचआईडी। एचआईडी जो होता है उसको ज़ेनन लाइट भी बोलते हैं कई बार। ज़ेनन लाइट ये बोलते हैं कि एचआईडी होता है, देखो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीका है
अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लाइट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी हेलोजन्स के, लेकिन यहाँ पे अंदर ज़ेनन या कुछ गैस फिल्ड होती है और वो गैस जो है उस चार्ज को जो इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रहा है उसके कारण एक लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें कलर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, मतलब उतनी ज़्यादा पीली कलर की लाइट नहीं दिखती है आपको, थोड़ा सा कूल साइड में लाइट दिखती है, व्हाइट कलर की लाइट जो है आपको HID से दिखने लगती है। कई ऐसी कार्स है जो कि HID ज़ेनन लाइट्स यूज़ करती है, जैसे कि बलेनो जो है, बलेनो का टॉप एंड वेरियंट जो आता है प्रोजेक्टर हेडलैम के साथ में, उसमें ये लाइट्स यूज़ होती है। बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, एक तो ये ब्राइट होती है, उसके बाद में ये थोड़ी सी कम एनर्जी कंज्यूम करती है इन कंपेरिजन टू हेलोजन जो नॉर्मल हेलोजन लैंप उससे। उसके बाद में इनके बारे में ये है कि थोड़ी सी लाइफ स्पेन भी इनकी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा होती है हेलोजन के मुकाबले, तो काफ़ी इनकी लाइफ स्पेन जो है ज़्यादा होती है। आमतौर पर जो लोग खरीदते हैं वो गाड़ी के, मतलब गाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है तब तक वो लाइट चल जाती है, गाड़ी की लाइफ की जितनी इन लाइट्स की लाइफ होती है, ये भी इनका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले तो ये ग्लेयर्स करती है, मतलब इसमें ग्लेयर्स आती है, अगर आप इनको आप कहीं भी ज़ेनन जो है वो रिफ्लेक्टर्स में नहीं देखोगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में देखोगे। अगर आपको प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर में कन्फ्यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक आई बटन में लिंक देता हूँ, पहले वो वीडियो देखो उसके बाद ये देखना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी काफ़ी पहले, तो ज़ेनन जो है वो प्रोजेक्टर्स में ही आमतौर पर इस्तेमाल होती है क्योंकि इनका ग्लेयर बहुत होता है, फैलती बहुत है, तो इनको एक डायरेक्ट जो है पोजिशन करना पड़ता है, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करना पड़ता है एक जगह पर। उसके बाद में प्रोजेक्टर्स जो है वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं शुरू होने में, मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं होते हैं एकदम से, मतलब थोड़ा सा उनमें जो है इनिशियली वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है। यही वजह है कि जो अगला कौन है उसका ये आ जाता है कि ये हर कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता, इसके लिए किट इस्तेमाल किया जाना पड़ता है, HID किट जो आता है वो यूज़ किया जाता है अगर आपको नॉर्मल हेलोजन से अपग्रेड करना है तो, ठीक है। और ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं उसके मुकाबले, तो ये भी चीज़ में कॉस्ट फैक्टर नेगेटिव में ऐड हो जाता है। उसके बाद अगले हैं LEDs। LEDs जो है वो सबसे ज़्यादा हमने सुनी होगी क्योंकि LEDs क्या है, एक तो बहुत, मतलब इनके पहले पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट शुरू करते हैं। एक तो एनर्जी कम कंज्यूम करती है, उसके बाद में आप किसी भी टाइप में लगा, छोटे बड़े अलग अलग तरह के LEDs आप लगा सकते हो। यही वजह है कि बहुत सारे कार्स में देखा है हमने, होंडा सिटी में देखा है जो कि प्रोजेक्टर में नहीं रिफ्लेक्टर में है, उसके बाद में डोमिनार बाइक जो आती है उसमें हमने देखा है, उसके बाद हमने देखा है, मतलब बहुत सारी गाड़ियों में देखा, हाई एंड बॉडी BMW सब LEDs पे शिफ्ट कर रही है। LED जो है कम एनर्जी कंज्यूम करती है, ब्राइट होती है, ठीक है, और उसके बाद में बहुत चलती है, लॉन्ग लास्टिंग, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट जो है LED के साथ में जुड़ जाते हैं, इसलिए लोग जो LED अपना रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, LED खुद तो कूल होती है, मतलब जल्दी तो बहुत ठंडी है, ज़्यादा इतना एनर्जी मतलब गर्म नहीं होती है, लेकिन इनके पीछे की साइड जो बल्ब होता है उसके पीछे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये हीट निकालती है, और यूजुअली गाड़ियों में क्या होता है पीछे की तरफ इंजन आ जाता है, वहाँ ऑलरेडी हीट होती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इसीलिए इनको इनको डिज़ाइन करते वक्त ही स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि हीट जो है वो इजीली कहीं से रिलीज हो पाए। यही वजह है कि कई बार आप हेलोजन से LEDs पे अपग्रेड करते हैं तो आपको ये समस्या आती है हीट वाली, तो इसीलिए कई बार रिकमेंड नहीं करते हैं इनको अपग्रेड करना, ठीक है। प्लस LEDs का जो है एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ी महंगी अभी भी है ये, हालांकि अब काफ़ी सस्ती लगने लगी है लोगों को ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते, लेकिन अभी भी थोड़ी महंगी होती है। और एक और प्रॉब्लम जो है LEDs के साथ में ये है कि कई बार लोकल अथॉरिटीज़ जो है इसे इलीगल बताते हैं क्योंकि ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, ब्राइटनेस की वजह से जो है इसको इलीगल कर दिया गया है कई जगह पे, तो ये LEDs के जो है नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा कंपनी से यूज़ कर रही है। अगली चीज़ है लेज़र। लेज़र एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि कम यूज़ की जा रही है, अभी उतना डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है लेज़र टेक्नोलॉजी, और सिर्फ BMW i8 में आती है मेरे ख्याल से, और भी कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उसको देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बहुत ही कम लाइट में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस करती है, तो लेज़र के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं। प्लस कुछ चीज़ें होती है बाय ज़ेनन HID और कुछ नाम्स है, तो ये सब LED वगैरह के ही ऊपर की चीज़ें हैं, मतलब ये बाय ज़ेनन वगैरह जो भी है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी मैं जो है आगे वाली वीडियो में एक कुछ वीडियो में अपने i20 में जो है हैलोजन्स को मैंने रिप्लेस किया है LED से, तो वो वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्द ही जब उसका टेस्ट वगैरह पूरा हो जाएगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।